तो दोस्तों आज है 13 अप्रैल, मतलब हरिओम पाइप्स की आईपीओ की लिस्टिंग है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लिस्टिंग से कुछ देर पहले मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आपके सामने वीडियो हाजिर है। तो जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा है, बेल आइकन पर दबा के रखा है, तो उनको तो सीधा नोटिफिकेशन मिल गया होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इससे क्या है कि आपके स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं और वीडियो का नोटिफिकेशन भी हाथों हाथ मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज मार्केट ओपन होगा 9 बजे और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 10 बजे होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, और उसके अलावा जिन लोगों को भी आईपीओ अलॉट हुआ था उन लोगों को लिस्टिंग केस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करना चाहिए, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, और उसके अलावा जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो आज इसको T2D सेगमेंट के अंदर रखा जाएगा, 5% का सर्किट लगेगा, तो इसको हम कैसे खरीद पाएंगे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 153 रुपए के अंदर ये हमें अलॉट हुआ है, 25 रुपए इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, 153 प्लस 25 करते हैं तो 178 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है। और अगर लिस्टिंग प्राइस 178 रुपए है तो इसका 5% और ऐड कर लें, उसके बाद इस पर अपर सर्किट लग सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इतना लिस्टिंग गेंस अगर हमें देखने को मिलता है, लगभग 2500 से लेकर 2700 रुपए के बीच में लिस्टिंग गेंस देखने को मिलता है, लगभग 15 से लेकर 17% के बीच में, तो ये लिस्टिंग गेंस काफी अच्छा है। अगर सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो मुझे लगता है लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, सारा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि 2 दिन और अपर सर्किट लगेंगे तो क्या कीजिए, आप अपना जो बेसिक अमाउंट निकाल लीजिए, बाकी जो प्रॉफिट वाले शेयर हैं उसको आप होल्डिंग के लिए रख सकते हैं, या आधे शेयर सेल कर दीजिए, आधे शेयर की होल्डिंग के लिए रख सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि 2 दिन और अपर सर्किट लगेगा तो, और बाकी देखिए दोस्तों, छोटी कंपनी है, अपर सर्किट लगते हैं तो लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, मतलब ऐसा होता है। और अगर इसकी डिमांड अच्छी रहती है तो लोअर अपर सर्किट हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ये कंपनी अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है, तो ओवरऑल इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। बाकी आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी रिस्क पर लेना है और अपना एनालिसिस साथ में लगाकर लेना है। फिर देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो लॉन्ग टर्म के अंदर उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो उसकी फाइनेंशियल्स देखें तो बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ वाले हैं, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर है, मेटल सेक्टर के अंदर पाइप वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, स्टील के और आयरन के, और क्या है कि इसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। तो सर्कुलर पाइप बनाती है, रेक्टेंगुलर पाइप बनाती है, स्क्वायर पाइप वगैरह बनाती है, जिसकी डिमांड जो है काफ़ी अच्छी है और आने वाले टाइम में भी डिमांड अच्छी रह सकती है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो ग्रोथ वाली कंपनी है। फिर देखिए दोस्तों, जिस पीई पर लिस्ट होने जा रही है 15.15 के पीई पर, तो सही वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, तो अपनी जो जिस हिसाब से इसकी वैल्यू है उस हिसाब से सही वैल्यूएशन पर ये लिस्ट होने जा रही है। और उसके अलावा इसके ऊपर जो डेप्ट है, मतलब जो उधारी है, 80 करोड़ रुपए की, और आईपीओ आने के बाद थोड़ी बहुत उधारी भी चुकाई जाएगी, पर देखिए दोस्तों ओवरऑल डेप्ट देखें तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक है। और इसकी आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगभग 26% के आसपास की चल रही है, 15% से ऊपर जिसकी आरओई होती है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है, तो इसकी 26% है, काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल सारे अगर फैक्टर देखें तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म में इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। पर स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क है, डूबने का भी खतरा रहता है, और इसके अंदर रिस्क है तो ग्रोथ के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से मिड कैप में आएगी, मिड कैप से लार्ज कैप में आएगी, तो चढ़ने का भी चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस भी हैं, पर रिस्क यह है कि छोटी कंपनी है तो इसके अंदर डूबने का खतरा भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, डेप वगैरह क्या है, फाइनेंशियल्स वगैरह बता दिए हैं, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन लें। उसके अलावा और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हरिओम पाइप आईपीओ रिव्यू पीछे जयेश खत्री लिखकर YouTube पर सर्च कर सकते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएगी, फिर आप उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और ओवरऑल मेरी बात करें तो पर्सनली मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों तीसरी बात यह है कि जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर पीछे जयेश खत्री लिखकर अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको लाइव एग्जांपल के साथ वीडियो मिल जाएगा। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रोवाइड करवा दी है आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 9:07 से लेकर 9:45 तक जो भी ऑर्डर है वो सारे कलेक्ट किए जाते हैं, और जब आईपीओ 10 बजे ओपनिंग होती है उसके बाद क्या कि अपर सर्किट लग जाता है, तब थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि T2D सेगमेंट है, 5% का सर्किट जल्दी लग जाता है, तो उस कारण क्या कि प्री मार्केट के अगर हम लेते हैं तो मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो भी मार्केट प्राइस नीचे ओपनिंग प्राइस बताता है तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर थोड़ा हम ऑर्डर लगाते हैं तो हमें मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस हिसाब से आप सारा रिस्क वगैरह कैलकुलेट करके उसके बाद कोई भी शेयर वगैरह मतलब ये खरीद सकते हैं। और इसके अंदर क्या है कि 2 दिन अपर सर्किट भी लग सकते हैं, क्योंकि क्या है कि T2D सेगमेंट है, अगर आप आज इसको बाय करेंगे तो क्या है कि 2 दिन बाद इसको सेल कर पाएंगे, तो इस कारण क्या कि 2 दिन हो सकता है इस पर अपर सर्किट देखने को मिले और उसके बाद लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं। पर ओवरऑल कंपनी को देखें तो कंपनी काफ़ी मजबूत है, उस हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं,
और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप लोअर सर्किट अभी काउंट करके चलें, मतलब दो दिन बाद इस पर लोअर सर्किट भी लग सकते हैं क्योंकि, और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको आज बाय करेंगे तो दो दिन बाद इसको सेल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर को खरीदें या एस आई पी ओ में बाय करने का सोचें। अगर आप इतनी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इससे दूर रहें। और बाकी देखिए दोस्तों, वो वीडियो आप देख लें, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको ऑर्डर वगैरह कैसे लगाना है और कैसे खरीदना है। और बाकी ये छोटी कंपनी है तो रिस्क वगैरह वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर को खरीदें या एस आई पी ओ में अप्लाई करें। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लिस्टिंग एज के हिसाब से, और जिनको आई पी ओ अलॉट नहीं हुआ है उस हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद क्या इस आईपीओ को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग एज लेकर एग्जिट हो जाएंगे, और जिन लोगों को आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो प्री मार्केट में ऑर्डर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।